Define classification, discuss the purpose and methods of classification, giving suitable examples. अब ये देखिए, ये question 3 parts में divide है और ये 15 marks का है. Fine, तो define classification. सबसे पहले आपने इसमें meaning and definition देनी होगी. Thereafter purpose that means objectives. Third आप discuss करेंगे methods of classification with suitable examples. Look students, जब हमसे definition पूछी जाती है तो हमें सबसे पहले एक line में उसका meaning देना होगा. Fine, तो meaning of classification, school हो या college हो, उनके students को classes में divide किया जाता है. School होंगे तो class 1, 2, 3. Fine, and college होंगे तो पहले categorize किया जाएगा commerce, arts and science. Thereafter become 1, 2, 3 honors plus pass course. ऐसे करके हम categories बना देते हैं. जो सारी process होती है कि school के और college के students को आपने different categories में divide कर दिया, उनके अलग अलग group बना दिए, ये सारी ही procedure हमारी क्या कहलाती है, classification कहलाती है. Fine, ऐसे ही statistics में जो हमारा gathered डाटा है, जो डेटा इन्वेस्टिगेटर ने कलेक्ट किया है, उसको रॉ फॉर्म में वो यूज नहीं कर सकता है, इंटरप्रिटेशन नहीं कर सकता है, तो वो क्या करता है, उस डेटा को ग्रुपिंग कर देता है, उसकी क्लासेस बना देता है, उसके ग्रुप्स बना देता है अकॉर्डिंग टू देयर होमोजीनियस कैरेक्टरिस्टिक. उनकी सिमिलैरिटीज और डिससिमिलैरिटीज के अकॉर्डिंग उनके ग्रुप्स बना देता है. तो वो ग्रुप और वो ग्रुप बनाने की प्रोसीजर क्लासिफिकेशन होती है. फाइन, नाउ द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग. अभी हमने आपको ऊपर प्रोसेस के बारे में ही बताया. द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग द कलेक्टेड डेटा इंटू अ वेरियस क्लासेस और ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स इज नोन एज क्लासिफिकेशन. यहाँ पर भी हम 3 ऑथर्स की डेफिनेशन को डिस्कस कर रहे हैं. डेफिनेशन, A.M. Turtle ने क्या बोला है, क्लासिफिकेशन इज अ स्कीम फॉर ब्रेकिंग अ कैटेगरी इंटू अ सेट ऑफ पार्ट्स. कैटेगरी को आपने क्या कर दिया, पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, कॉल्ड क्लासेस. उन पार्ट्स को हमने क्लासेस बोला है. अकॉर्डिंग टू सम प्रिसाइजली डिफाइंड डिफरिंग कैरेक्टरिस्टिक्स, और उनका बेसिस क्या है वो आपने उसको एवे ही नहीं कर दिया है. दे आर बेस्ड अपॉन सम लॉजिकल बेसिस. फाइन, जस्ट बाय ऑल द एलिमेंट ऑफ कैटेगरी. नाउ प्रोफेसर हॉरिस, क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग डेटा इनटू सीक्वेंसेस एंड ग्रुप्स. उनको सीक्वेंस एंड ग्रुप्स में अकॉर्डिंग टू देयर कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स और सेपरेटिंग देम इनटू डिफरेंट बट रिलेटेड पार्ट. पुनर, क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग थिंग्स ईदर एक्चुअली और नोशनली. देखिए, एक्चुअली डैट मीन्स री डिफाइंड हेडिंग्स के अकॉर्डिंग अगर आपने उसको डिवाइड किया है, लाइक मेल, फीमेल, लिटरेट, इलिटरेट, जो पहले से ही डिफाइंड है उनके अकॉर्डिंग किया है, तो वो हो गया एक्चुअली. एंड नोशनली, नोशनली मीन्स इन्वेस्टिगेटर अपने ही हिसाब से उनकी कैटेगरी बना सकता है. फाइन, वो हो गया नोशनली. इन ग्रुप्स और क्लासेस अकॉर्डिंग टू देयर रिजेम्बलेंस एंड एफिनिटीज, सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलैरिटीज, एंड गिव्स एक्सप्रेशन टू द यूनिटी ऑफ एट्रीब्यूट्स दैट मे सबसिस्ट अमंगस्ट अ डाइवर्सिटी ऑफ इंडिविजुअल्स. फाइन, दैट मीन्स डाइवर्सिटी में भी उन्होंने यूनिटी ढूंढ ली है, डिसिमिलैरिटी में भी उन्होंने जो भी सिमिलर एलिमेंट है उनको एक करके अलग अलग ग्रुप्स बना लिए हैं. फाइन, सो वी कैन से क्लासिफिकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग डेटा इनटू अ होमोजीनियस ग्रुप्स और क्लासेस अकॉर्डिंग टू देयर कैरेक्टरिस्टिक्स. नेक्स्ट हमसे पूछा गया है पर्पस ऑफ क्लासिफिकेशन, दैट मीन्स ऑब्जेक्टिव्स ऑफ क्लासिफिकेशन. दीज आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ क्लासिफिकेशन, जिसमें हमने फर्स्ट डिस्कस करना है मेक द डेटा ईजी एंड कंसाइज. यस स्टूडेंट्स, क्लासिफिकेशन प्रेजेंट्स द कॉम्प्लिकेटेड स्कैटर डेटा into a simple and concise form so that it can be easily understandable. आप उसको बहुत अच्छे से समझ सके. At the time of investigation, investigator जो भी data collect करता है वो बहुत complicated होता है,
तो उस कॉम्प्लिकेटेड डेटा को मीनिंगफुल बनाने के लिए वो उसको ग्रुप्स में डिवाइड कर देता है, जिससे कि वो इजी टू अंडरस्टैंडेबल हो जाए, फाइन। बट वो जो ग्रुपिंग करता है उसके पीछे साइंटिफिक एंड लॉजिकल बेसिस होता है, उन्हीं बेसिस पर वो ग्रुप्स और क्लासेस फॉर्म करता है, सो दैट दे प्रेजेंट्स द मेजर फीचर्स ऑफ द कलेक्टेड डेटा, जिससे कि वो कलेक्टेड डेटा के मेन फीचर्स को प्रेजेंट कर सके, फाइन। का एक एग्जाम्पल है मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 1000 स्टूडेंट्स ऑफ अ कॉलेज डिवीजन, लाइक फर्स्ट डिवीजन, सेकेंड, थर्ड एंड फेल। इन ग्रुप्स में हम 1000 स्टूडेंट्स के मार्क्स को क्लासिफाई कर देते हैं, जिससे कि आप इजीली इंटरप्रेट कर सकते हैं कि कितने स्टूडेंट्स ने फर्स्ट डिवीजन, कितने ने सेकेंड और कितने ने थर्ड डिवीजन और कितने फेल हुए हैं। तो यू कैन से आफ्टर द क्लासिफिकेशन इट इज इजीली कॉम्प्रेहेंसिबल फॉर ड्रॉइंग कंक्लूजंस, फाइन। सेकेंड इज होमोजेनिटी, दैट मींस सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक। In classification, the data which have similar characteristics are put in one group, जिसमें same qualities होती है उसको आप एक ही group में रखते हैं। Like अभी हमने ऊपर example discuss किया था first, second and third division, जिसकी 60% से above उसको आपने first division में रख दिया, तो उनमें similar characteristic हो गई कि 60 and 60 above वाले students first division में रहेंगे। तो इस टाइप से आप जब ग्रुप्स फॉर्म कर देते हैं इट हेल्प्स इन इन्वेस्टिगेशन। थर्ड इज फैसिलिटेट इन कंपैरेटिव स्टडी। यस स्टूडेंट्स, क्लासिफिकेशन हेल्प अस और इनेबल अस टू मेक मीनिंगफुल कंपैरेटिव स्टडी बिटवीन द वेरिएबल्स। आप क्लासिफिकेशन से डिफरेंट वेरिएबल्स के बीच में कंपैरिजन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमें दो कॉलेजेस के स्टूडेंट्स के इंटेलिजेंस लेवल को चेक करना है तो हम क्या करेंगे, जैसे ऊपर हमने एक कॉलेज का किया था, दूसरे कॉलेज के भी स्टूडेंट्स के मार्क्स को हम 4 कैटेगरी में डिवाइड कर देंगे, डिवीजन फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फेल, जिससे कि हम दोनों कॉलेजेस के स्टूडेंट्स में कंपैरिजन कर सकते हैं और स्टूडेंट्स के इंटेलिजेंस को डिसाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट इज साइंटिफिक अरेंजमेंट। इन क्लासिफिकेशन फैक्ट्स आर अरेंज इन प्रॉपर एंड सिस्टमैटिक वे ऑन द लॉजिकल बेसिस। लुक स्टूडेंट्स, हम स्टार्टिंग से बात कर रहे हैं कि जो भी फैक्ट्स हम अरेंज करते हैं, जो भी क्लासेस हम बनाते हैं, वो किसी ना किसी लॉजिक पर बेस होती है, सो दैट द डेटा बिकेम मोर सिंपल एंड इजी टू अंडरस्टैंड। फॉर एग्जांपल, स्टूडेंट्स ऑफ अ कॉलेज इफ क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू फैकल्टी, तो उसमें ग्रुप्स बन जाएंगे कॉमर्स, आर्ट्स एंड साइंस। नेक्स्ट इज प्रोवाइड बेस फॉर टैबुलेशन। डेटा कैन बी प्रेजेंटेड इन टैबुलर फॉर्म आफ्टर द क्लासिफिकेशन। आप क्लासिफिकेशन के बाद ही, जब आप उनके ग्रुप्स फॉर्म कर लेंगे, उसके बाद ही आप उनको एज अ टैबुलर फॉर्म प्रेजेंट कर सकते हैं। और टैबुलेशन इज द बेसिस ऑफ एनालिसिस एंड कंपैरिजन, वेयर इज क्लासिफिकेशन इज द बेसिस ऑफ टैबुलेशन। टैबुलेशन डिपेंड होता है क्लासिफिकेशन पे, और एनालिसिस और कंपैरिजन आप किसके बेसिस पे करते हैं, टैबुलेशन के बेसिस पे। तो अगर पहले क्लासिफिकेशन होता है उसके बाद ही आप टैबुलेशन कर पाएंगे। नेक्स्ट इज म्यूचुअली रिलेटेड। क्लासिफाइड फैक्ट्स एक्सपोजेस द कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। इसका एग्जाम्पल है स्टूडेंट्स हु आर रेगुलरली अटेंडिंग देयर क्लास एंड सबमिटिंग देयर असाइनमेंट्स गॉट हायर मार्क्स एंड हायर परसेंटेज। तो क्या हुआ, अगर स्टूडेंट्स ने रेगुलर क्लास, असाइनमेंट्स, टेस्ट सीरीज इनको अटेंड किया, तो वो रेगुलर स्टूडेंट्स ही क्या करेंगे, हायर पोजीशन ऑप्ट करेंगे। तो ये हो गई आपकी कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। वी कैन से क्लासिफिकेशन हैज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन स्टैटिस्टिक्स बिकॉज इंटरप्रिटेशन एंड एनालिसिस कैन नॉट बी डन बाय अनअरेंज्ड, अनऑर्गेनाइज्ड, कॉम्प्लेक्स डेटा। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया मेथड्स ऑफ क्लासिफिकेशन। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन। फर्स्ट इज ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन, सेकेंड इज क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन,
थर्ड इज क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन, फोर्थ इज क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन. फाइन. डेटा, डेटा आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस, दैट इज ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन. डेटा आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, दैट इज क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन. डिस्क्रिप्टिव डेटा, डेटा आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस इन एब्सेंस ऑफ एनी एट्रीब्यूट, और ये एट्रीब्यूट सिंगल भी हो सकता है और मोर देन वन भी हो सकता है. जब वन एट्रीब्यूट की बात होती है, देयर इज सिंगल क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन, और मोर देन वन की बात होती है तो मैनिफोल्ड क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन. एंड डिस्क्रिप्टिव डेटा, डेटा आर मेजर्ड डायरेक्टली, जिसको आप डायरेक्टली मेजर कर सकते हैं, लाइक मिल्क हुआ, हाइट हुई, वेट हुआ, तो वो क्या हो गया है, क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन. नाउ द एग्जांपल्स, फर्स्ट है हमारा ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन, डैट इज बेस्ड अपॉन प्लेसेस, और उन प्लेसेस में आएंगे कंट्रीज, स्टेट, सिटीज, रीजन्स, एरियाज एंड जोन्स, ईटीसी. इन पर बेस्ड जो भी क्लासिफिकेशन होगा, डैट इज ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन. दिस इज एन एग्जाम्पल जिसमें हमने नेम ऑफ सिटीज लिए हैं, सिटीज के नाम है, इसलिए ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन है. नंबर ऑफ कॉलेजेस आ गए, दिल्ली में है 95, मुंबई में 118, कोलकाता 92 एंड चेन्नई 109. दिस इज इमेजिनरी डेटा. नेक्स्ट इज क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन. क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन बेस्ड अपॉन टाइम, और टाइम में क्या आ सकता है, आवर्स, डेज, वीक, मंथ, ईयर्स. और ये देखिए, आपने ईयर्स को बेसिस लेके पॉपुलेशन इन करोर्स डिस्क्राइब किया है. हमने 1981 में पॉपुलेशन 71 CR, 91 में है 89 CR, 1001 में 107 CR, 10 में 123 CR, 20 में 138 CR. तो इसमें बेसिस हमारा टाइम है, इसलिए दिस इज क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन. नेक्स्ट इज क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन. क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन इज बेस्ड अपॉन presence or absence of any attribute. Attribute means blindness हो गया, honesty, intelligence. तो ये सब जितने भी हमारी characteristic होती है या attribute होती है, विशेषताएँ होती है, उस पर based जो भी आप classification करते हैं, that is qualitative classification. अब इसमें हमने दो पढ़े हैं, single और manifold. Fine. अब population के दो part होते हैं, male and female. इसको हमने एक एट्रीब्यूट, डैट इज लिटरेसी और इलिटरेसी पर डिवाइड कर दिया, तो ये आपका कितना हो गया, सिंगल. मेल है लिटरेट इलिटरेट, फीमेल है लिटरेट इलिटरेट, तो ये आपका वन एट्रीब्यूट है, तो ये हो गया सिंगल. नेक्स्ट, इसी को फर्दर आपने एम्प्लॉयड और अनएम्प्लॉयड, इलिटरेट को भी एम्प्लॉयड और अनएम्प्लॉयड, एम्प्लॉयड अनएम्प्लॉयड पे डिवाइड कर दिया, तो ये सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक हो गई, ये सेकेंड एट्रीब्यूट हो गया, इसलिए ये क्या हो जाएगा, मैनिफोल्ड क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन, बिकॉज ये फर्स्ट एंड सेकेंड दो एट्रीब्यूट्स पे डिपेंड है. नेक्स्ट इज क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन. इन क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन डेटा और फैक्ट्स आर मेजर्ड डायरेक्टली, लाइक हाइट, वेट, प्रॉफिट, लॉस, मार्क्स, इनकम, एक्सपेंडिचर, इन सबको आप डायरेक्टली मेजर कर सकते हैं, इसलिए कौन सा क्लासिफिकेशन है, क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन. अब यहाँ देखिए, आपने वेजेस लिखी है 100 to 200 rupees, 200 से 300, 300 से 400, 400 to 500, 500